नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट संस्कृत। आपके साथ मैं हूँ रीना। भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र माह 14 जुलाई से आरंभ हो चुका है। हर सावन के माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होकर भक्तों के सारे दुख दर्द दूर करते हैं, उनकी हर इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि को 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में सावन शिवरात्रि का व्रत 26 जुलाई को रखा जाएगा या फिर 27 जुलाई को। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन शिवरात्रि का व्रत 26 जुलाई को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 27 जुलाई को किया जाएगा। 26 जुलाई 2022 को शाम 6:46 पर चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति 27 जुलाई को शाम 9:11 पर होगा। इसके अलावा इसका पूजा का समय होगा 27 जुलाई को सुबह 12 बजे से लेकर 12:49 तक। अब आपको हम बताएंगे कि शिवरात्रि व्रत के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता और इनके लिए भोग में तुलसी पत्र शामिल भी नहीं किया जाता। इसके पीछे की मान्यता यह है कि भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। सावन शिवरात्रि व्रत के दिन महिलाओं को खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, नहीं तो पूरा व्रत का फल नहीं मिलता है। सावन शिवरात्रि की पूजा में भगवान भोलेनाथ को केतकी का फूल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम नहीं अर्पित किया जाता। इसके अलावा भगवान शिव के जलाभिषेक में केवल तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करें, अन्य किसी भी प्रकार के बर्तन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।